गुड मॉर्निंग बच्चों, आर सी एजुकेशन हब के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है, प्रत्यय चल रहा है, आज हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय के बारे में कि कृत प्रत्यय क्या होता है। कल हमने परिभाषा तो इसकी पढ़ ली थी कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, क्रिया के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब जो ये कृत प्रत्यय है कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। पहला है कृतवाचक, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा है करणवाचक, चौथा है भाववाचक प्रत्यय, और पांचवा है क्रियावाचक। पहला है कि कृतवाचक प्रत्यय किसे कहते हैं। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय, देखक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हार से पालन हार, रखन हार, दूसरा जैसे वाला रख वाला, खिलौने वाला, हार हो गया, वाला हो गया, के रक्षक, लेखक, नायक, लेखक में तो अब करते लगता है, रक्षक और भक्षक। अब में आएगा लेखक, गायक, नायक, उस्ता, दाता, ये जो प्रत्यय है ये किन से पहले लगते हैं, कर्ता का बोध करवा रहे हैं। जैसे पालनहार, वे किसी व्यक्ति का नाम, वो कर्ता ही तो होगा, काम करने वाला, पालनहार, पालनहार यानी पालने वाला, राखनहार रखने वाला, रखवाला रखवाली करने वाला, रखवाला खिलौने वाला, खिलौने जो रखता है, खिलौने बेचने वाला, के रक्षक रक्षा करने वाला, भक्षक यानी कि जो किसी को खाता है वो भक्षक, लेखक लिखने वाला, नायक जो किसी का रोल, जो मेन जो भूमिका निभाता है वो क्या होता है, नायक, दाता देने वाला, गाता गाने वाला, नाता जिसके साथ नाता होता है। तो ये सबसे किससे किसका बोध हो रहा है, कर्ता का बोध हो रहा है, इसलिए कृतवाचक प्रत्यय किसे कहते हैं, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। आप पढ़ेंगे कर्मवाचक प्रत्यय, ठीक है, कि कर्मवाचक प्रत्यय किसे कहते हैं।
दूसरा है कर्म वाचक प्रत्यय। कि कर्म वाचक प्रत्यय किसे कहते हैं? कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ओना से क्या बन गया? खिलौना बन गया। बन गया नहीं बना खिलौना बिछोना और नी से क्या बन गया? ओढ़नी मथनी और ना से पढ़ना लिखना रटना। ठीक है, ये सब ये कौन से होते हैं? कर्मवाचक प्रत्यय। तीसरा कौन सा है? करणवाचक प्रत्यय। कृत प्रत्यय के भेद भी है, कृत प्रत्यय के भेद हैं। साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय साधन करण का अर्थ भी क्या होता है? साधन होता है। हमने जब कारक पढ़े थे तो उसमें भी पढ़ा था कि करण कारक किसे कहते हैं? जिसमें साधन का बोध होता है, जिसके माध्यम से कर्ता कार्य करता है। ठीक है, जिसके माध्यम से, यानी कि मैं जिस प्रकार इस पेन से लिख रही हूँ, ये जो मार्कर है, ये क्या है? मेरा साधन है। क्या? लिखने का साधन है। मैं जो हूँ, क्या हूँ? करता हूँ। कृतवाचक में आपने पढ़ लिया रखवाला पालनहार जो होते हैं वो कृतवाचक प्रत्यय होते हैं। ये खिलौना, इसमें जैसे पढ़ना लिखना, कि मैं किसके द्वारा लिख रही हूँ? लिखना, ये काम है, काम हो रहा है, ये कर्म हो रहा है, तो ये क्या है? कर्मवाचक प्रत्यय हो गए। साधन और करणवाचक प्रत्यय क्या होते हैं? करणवाचक प्रत्यय होते हैं कि भाई जिसके माध्यम से या जिस साधन का उपयोग करके कर्ता कार्य करता है, तो वो कौन, जिनके काम में आते हैं वो क्या होते हैं? करण, यानी कि साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? है, करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? कर्मवाचक प्रत्यय हो गया, कि कर्म का बोध पहले था, कृतवाचक प्रत्यय कर्ता का बोध कराने वाले कर्तवाच हो गए, कर्मवाचक कर्म का बोध कराने वाले कर्मवाचक हो गए, और करणवाचक है साधन का बोध कराने वाले, कि जिस साधन का उपयोग करके कर्ता कार्य करता है वो क्या होते हैं? कर्णवाचक प्रत्यय। ये कौन से हैं? करणवाचक प्रत्यय हैं। पालन, सोहन, झाड़ल, नी, जैसे कतरनी, चटनी, झाड़ू,
ई से खांसी, खांसी और इस प्रकार जो ये प्रत्यय हो गए कौन से हो गए? अब दो प्रत्यय हो गए हमारे, कौन से? भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब अगला है हमारा भाववाचक कृत प्रत्यय। कि भाववाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय। क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आप आवट आव आई, आप से जैसे मिलाव बिलाव, इसमें भाव प्रकट हो रहा है। बिलाव कर क्या होता है? रोना। मिलाव करते हैं मिला मिलना। आवट से दिखावट, लिखावट सजावट, आव से तनाव खिंचाव, आई से पढ़ाई लिखाई, ये कौन से प्रत्यय होते हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय। अब पांचवा है हमारा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कि क्रियावाचक कृत प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हाँ
ये जो चार हैं ये कौन से क्रियावाचक है? आया, खाया, बोया, ये सब इसमें आ गए। क्रिया का बोध आया आना, ये क्रिया खाया आया खाया बोया जिसमें, या क्रिया इस क्रिया शब्दों का बोध हो रहा है इसमें। कर गाकर देख कर पढ़ कर पा से खाता पीता सोता रोता धोता कुछ भी होता है जिसमें ता लगता है बीच में बाद में। आ से सूखा भूखा, ठीक है, बोला आदि। जो ये है हमारे कृत प्रत्यय के भेद है, पांच भेद। आज हमारा जो कृत प्रत्यय वो कंप्लीट हो चुका है, कल हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।